नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज फिर एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। वो स्पेशल टॉपिक है चेहरे पर अनचाहे दाग या झाइयां। मैंने पिछले दो वीडियोस में आपको झाइयां का जो मेरा वीडियो बना था, झाइयां यानी मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेड स्पॉट्स अलग से फेस पर बन जाना, इसके लिए मैंने जो वीडियो लाया है उसे आपने काफी पसंद किया और आप लोगों ने उन दवाइयां स्टार्ट कर दी हैं, आप लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपके सवाल ये थे कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है पूरी तरह। मैंने आपको बताया था कि पहले मेरे वीडियो को समझो। मेरे वीडियो को समझो का मतलब यह है, मैं आपको अक्सर बताता हूं कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एक एक बात शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखना। अभी भी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको भेज रहा हूं, इस वीडियो को भी बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से समझना, और एक बार नहीं, दो तीन बार, चार बार देखना, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि आपको झाइयां, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, डल स्किन, डल फेस, चेहरा डल दिखना, चेहरे में फुंसियां, चेहरे में एक्ने, चेहरे में पिंपल्स, चेहरे में मुहासे आखिर क्यों आ रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको शेयर किया था इस बारे में कि चेहरे एक एक पॉइंट मैंने आपको ध्यान से समझाया था। एक बार फिर से उस पॉइंट्स पे जाते हैं और एक एक मुद्दे की बात को समझते हैं कि आखिर आपको इस तरह की तकलीफें या इस तरह की बीमारियां होती क्यों हैं। इस बार आपको फोकस करके उन सभी बातों को समझा रहा हूं, क्योंकि हमारा फोकस बदला हुआ है, हमारा फोकस अलग है। हमें फोकस लाना है उन सभी बातों पे जिन बातों की वजह से आपको मुहासे, पिंपल, एक्ने, झाइयां, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, चेहरे में फ्रैकल्स, स्पॉट्स, डार्क स्पॉट, डलनेस, डार्क सर्कल, ब्लैक स्पॉट्स, या चेहरे में किसी भी तरह की या शरीर में किसी भी तरह की स्किन की समस्या या शरीर में किसी भी तरह की समस्या क्यों हो रही है। मैं आपकी स्किन की समस्या, चेहरे की समस्या और बाकी समस्याओं को पूरी बॉडी की समस्या के साथ में मिलाकर बता रहा हूं। इनको ध्यान से समझना। पहली बात, यदि आपका खाना खाने का समय निश्चित नहीं है तो आपको झाइयां, फ्रैकल्स, मुहासे, स्किन में डार्क स्पॉट्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यदि आप खाना खाने का टाइमिंग ही गड़बड़ कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप डिले खाते हैं, देर से खाते हैं। देर से खा रहे हैं तो जो पोषक आहार जिस समय बॉडी को अपने काम करने के लिए चाहिए, आपकी स्किन को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक आहार चाहिए, वो मिलता नहीं है। दूसरी बात, पहली बात तो आपने खाना सही समय पर नहीं खाया। दूसरी बात, जो खाना आप खा रहे हैं वो पोषक आहार पर्याप्त नहीं है। आप जिस खाने को खा रहे हैं उसमें पर्याप्त पोषक आहार आपकी स्किन के लिए, आपके पूरे शरीर के लिए है भी कि नहीं, थोड़ा चेक कर लो। हरी सब्जियां है कि नहीं, बहुत बेसिक बात है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। बड़ी बात कुछ नहीं, सारी बड़ी बात दिल से की हुई छोटी बातों पर डिपेंड करेगी। बात दिल से आनी चाहिए, दिमाग बाद में लगाना। पहली बात, खाने में प्रॉपर पोषक आहार है कि नहीं है ये जानने के लिए यह देखना है कि हमने आज सलाद लिया या नहीं लिया। थोड़ा मोड़ा सलाद लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं। आज हमारे खाने में दाल की मात्रा सही है या नहीं है, क्योंकि उसी से प्रोटीन आएगा। आज हमारे खाने में नींबू या कुछ भी खट्टा पदार्थ है कि नहीं जिससे विटामिन सी मिले। ये बेसिक बेसिक बुनियादी चीजें हैं। रही बात आयरन की तो गुड़ रोज खाना है। रही बात कैल्शियम की, यदि जॉइंट्स में पेन होता है तो दूध पीना। खैर, अभी यहां पे मैं स्किन की बात कर रहा हूं। बेसिक या बुनियादी बात, खाने का टाइमिंग जो मैंने बताया कि आप डिले करते हैं, और दूसरी बात, आपका खाने में पोषक आहार बिल्कुल नहीं के बराबर है। खाने को बहुत ज्यादा मसालेदार बनाते हैं आप, थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि समस्या वही है। तीसरी बात, यदि आपके शरीर में किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बेलेंस चल रहा है, मतलब यदि महिलाएं हैं तो मासिक धर्म की अनियमितता तो नहीं है, वो चेक कर लें। चौथी बात,
आप किसी भी तरह का कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट या स्किन की क्रीम यूज कर रहे हैं, उसके बाद से क्या ये समस्या बढ़ रही है, बंद करें। वो आपकी समस्या को और बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। पांचवी बात, YouTube से या कहीं और से देखकर आपने किसी स्किन की क्रीम को देखकर लगाना चालू किया और चेहरे की त्वचा को और बेकार कर लिया, बंद कर दें। पांचवी बात, यदि आप रात में देर तक जागते हैं, आपकी नींद पर्याप्त नहीं होती, तो आपको तकलीफें आएंगी। छठवीं बात, यदि आप किसी दवाई का सेवन लगातार कुछ सालों से कर रहे हैं, चाहे वो नींद की दवा हो, चाहे डिप्रेशन की दवा हो, चाहे डायबिटीज की दवा हो, चाहे ब्लड प्रेशर की दवा हो, चाहे किसी भी और चीजों की दवा हो, तो उन दवाइयों के जो होने वाले थोड़े थोड़े भी साइड इफेक्ट्स हैं, उसको एक बार जरूर चेक करवाइए अपने डॉक्टर से। और इस बात पे फोकस कीजिए कि यदि इन दवाइयों को लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तभी लें, अदरवाइज चेंज कराएं। और यदि नहीं जरूरी है और उसके बावजूद भी आपकी चल रही है और जरूरी है, तो फिर आपको अपने खाने में विशेष बदलाव करना है, ताकि इनको हम प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाए। डाइजेस्ट करना मतलब खाने को अच्छे से पचा पाना सबसे इंपॉर्टेंट है। हरी सब्जियां खाने में जरूर डालें, बढ़िया फल फ्रूट्स और तला भुना खाना बिल्कुल कम से कम कर दें। आप यदि वाकई में बदलाव चाहते हैं, तो एक चीज आपको अपने खाने में जरूर ऐड करनी होगी, वो है फ्लैक्सीड यानी अलसी। अलसी खाना आपके लिए 2-2 चम्मच दिन में 3 बार बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, यदि अपनी स्किन में निखार लाना है। इन बातों को विशेषकर नोट करना, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं, बहुत बुनियादी बातें हैं। विटामिन सी की कमी एक और चीज है जो बहुत, मतलब मैं इसको पॉइंट करूंगा। विटामिन सी आपको नींबू या सभी खट्टे फलों पे मिलता है, इन्हें लेना बंद नहीं करना है। लोगों ने फल खाना बंद कर दिया, भाई क्यों किया मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो इन बेसिक बुनियादी बातों को उपयोग करना चालू करें, ध्यान देना चालू करें, और रोज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, वॉक, योगा बिल्कुल करना ही है, ताकि केवल स्किन नहीं पूरा शरीर स्वस्थ है। बात केवल एक ही है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हाथ पैर हिलाने डुलाने चालू कर दो, दिमाग हिलाना डुलाना चालू कर दो, दिमाग में और हाथ पैर में थोड़ी सी कंपन लाओ, मजबूती लाओ, मेहनत करो, खाने पे ध्यान दो। खाने पे ध्यान देना विशेष जरूरी है, थोड़ा सा एक्सरसाइज, पसीना आना चाहिए, थोड़ी सी रनिंग, वॉक, ये करना जरूरी है। न जाने कितने सालों से हमने खेलना बंद कर दिया है, न जाने कितने सालों से हम केवल मोबाइल खेलते हैं, न जाने कितने सालों से नींबू नहीं खाया, क्योंकि लोग बोलते हैं नींबू खट्टा खाने से खांसी हो जाती है, यही बोलते हैं, गलत बात है। न जाने कितने सालों से दूध का ढंग से सेवन नहीं किया, न जाने कितने साल हो गए गुड़ का मुंह देखे हुए, गुड़ नहीं खाया, न जाने कितने साल से रेगुलर फल नहीं खाया। बात सोचने की है, ध्यान से सोचना और समझना, इन बुनियादी बातों पे काम करना चालू करो, और छोड़ो बाकी सब दुनिया भर के क्रीम ब्यूटी प्रोडक्ट्स को। ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं करने वाले, चेहरे का कलर आपका ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं ठीक करने वाले, आपके चेहरे का कलर आपका खान पान ठीक करने वाला है, ताकि बॉडी में स्ट्रेंथ आए। मिलेनोसाइट जो कि आपके चेहरे की स्किन को कलर देते हैं ना, उसको पोषक आहार चाहिए और कम धूप चाहिए। बहुत ज्यादा तेज धूप में जाओगे बर्न कर जाएगा, नहीं जाना है, रुक जाओ, समझ जाओ, बातों को समझो, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखना। दवाइयों की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारी कुछ डिटेल देख लेना। पिछले वीडियोस में भी जा सकते हो, उसमें आपको झाइयों के बारे में डिटेल मिली है। इतना स्ट्रेस दे के, तनाव दे के, ताकत दे के ये बता रहा हूं, तो उसका पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। साथ में यदि आपके आसपास कोई ब्यूटी क्लिनिक है, तो मैं आपको एक ट्रीटमेंट सजेस्ट करूंगा, डेट इज कॉल्ड स्किन पॉलिशिंग, माइक्रो डर्मा एब्रेशन। इस ट्रीटमेंट को आप यूज कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं इसके बारे में। किसी भी तरह के और ट्रीटमेंट के बारे में मैं सलाह नहीं दूंगा, केवल माइक्रो डर्मा एब्रेशन MDA की सलाह देता हूं। साथ में उसको आप यूज कीजिए, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। MDA के साथ बाकी सारी मेडिसिन बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाले हैं। खाना सुधार लेना, अच्छी सब्जी, हरी सब्जी, फल, और यदि बेस्ट कर पाओ तो हरी सब्जियों का जूस बना के पी लो, बेस्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक शेयर कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जब तक ये वीडियो अपलोड होगा हम हो जाएंगे 25,000। 1 साल हमारे चैनल को लगभग 13 तारीख को हो चुका है। मैंने किसी भी तरह की खुशी मनाने की इच्छा मेरे मन से जाहिर नहीं हुई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस देश के 1 करोड़ लोगों को ठीक करके जाऊं।
जय हिंद, जय भारत।